हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अनलिमिटेड पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट एडसेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो एडसेंस हैं, एक की जो है पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट है और दूसरे की पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसकी पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी जो इसकी पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका दिखा देता हूँ पेमेंट एड्रेस, के मैंने इसमें जो है ना पेमेंट इन्फो के अंदर एड्रेस कौन सपोर्ट करा है, जिसकी वजह से जो है वो है इसका पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये भाई मैंने जो है ना एड्रेस पेस्ट किया है। ये एड्रेस जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है, ये एड्रेस कहाँ से लिया है मैंने? गूगल मैप से लिया है। मतलब बिल्कुल आपने गूगल मैप से एग्जैक्ट जो है ना, जो गूगल मैप के ऊपर अवेलेबल हो एड्रेस, वो वाला आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐसे कुछ भी नहीं डालना, ठीक है ना? ऐसे लिखेंगे तो आपकी पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह का आपने जो है ना गूगल मैप से जो है एक वैलिड एड्रेस आपने उठाना है और अपने एड्रेस में जाके लगा देना है। तो अभी मैं आपको दूसरे एड्रेस में ये करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी पेमेंट प्रोफाइल देख लेते हैं जी। पेमेंट इन्फो में जाते हैं और मैंने सेटिंग, तो यहाँ पर जो है इसका एड्रेस है, देखें ये, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे डाला हुआ है। तो इसी वजह से जो है ना इसका जो पेमेंट प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है गूगल मैप पर। ठीक है, यहाँ पर आपने ओपन कर लेना, अपने एरिया के नज़दीक और नज़दीक आप देख लेना। ठीक है, कोई स्कूल देख लें, कॉलेज देख लें, जैसे डिग्री कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने FG डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, इसका एड्रेस ले लिया है। तो ये इसका एड्रेस है, यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, मुल्तान का है। और यहाँ पर एड्रेस लाइन में भी ये पेस्ट कर देना है और एड्रेस लाइन टू में भी। और यहाँ पर सिटी जो है मुल्तान है, तो यहाँ मुल्तान हम लिखेंगे। इसका पोस्टल कोड जो है आपने देख लेना अपने सिटी के मुताबिक, मुल्तान का तो मुझे पता है कि यही है। ठीक हो गया, और नंबर वगैरह आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये चेंजिंग आपने करनी है। मतलब आपकी पेमेंट प्रोफाइल किस पे डिपेंड करती है? एड्रेस पर। अगर आपकी एड्रेस प्रोफाइल आपकी जो है ना सही से ऐड होगी, तो ये आपकी जो है ना पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट वहाँ पर शो करेगा, जैसे इसकी शो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला एड्रेस मैंने इसमें भी अभी मेरे ख्याल से लगा दिया। ठीक है, तो होम पे आएंगे, देखें इसकी कंप्लीट है, टिक है ग्रीन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह आपने कर देना है पेस्ट और उसके बाद कर देना है सेव। तो ये अभी सेव हो जाएगा, वे मेल भी चली गई होगी कि आपका एड्रेस चेंज कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर वेट करना है, विद इन 24 आवर आपको जो है ना यहाँ पर ही ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मेन इसमें जो है वो प्रूफ जो है अपना एड्रेस है ना, वो ही आपने सही से डालना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अभी एक्टिव डैशबोर्ड के लिए भी जैसे कोई न्यू मेथड आता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अभी तो फ़िलहाल इससे भी एक्टिव डैशबोर्ड नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई न्यू आता है तो फिर मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं देखता हूँ यार सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ तो आ जाते हैं, ठीक है, लाइक भी कर देते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास कोई एक्टिव डैशबोर्ड का मेथड आता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।